डिंपल यादव ने मंगलवार को मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले डिंपल ने पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैफई के मेला मैदान पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा चुनाव में मैनपुरी संसदीय सीट पर इस बार का घमासान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। डिंपल यादव ने नामांकन के लिए मैनपुरी रवाना होने से पहले आवास पर नवरात्र के चलते कन्या भोज भी कराया। डिंपल यादव ने अपने गांव में पत्रक देवी के मंदिर पर भी पूजा अर्चना की। मैं समझती हूँ इस तरह की जो भाषा शैली है वो किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं आप सब जानते हैं, और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने के काम पर है। भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूंगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा, लेकिन यह बस झुंझुना है और जनता और जो हमारा युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से त्रस्त है। हमारा जवान, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, सब लोग बुरी तरह से सरकार से त्रस्त है, और अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग कर लेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना मतदान करें और उसका सही प्रयोग करें, तो ऐसे शासन से हम सभी को छुट्टी मिलने की पूरी उम्मीद है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोग हमारे परिवार से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। यह एक लंबी लड़ाई है, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर 7 चरण में मतदान होगा। पहले चरण के 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई, छठे चरण की वोटिंग 25 मई और सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। मैनपुरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होगा जिसके लिए 7 मई को मतदान होगा।